नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Realme C51 मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा। देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन लॉक मिल जाएगा, फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक मिल जाएगा। तो आपको फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पैटर्न फेस फिंगरप्रिंट किसी एक पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पैटर्न फेस फिंगरप्रिंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से एक पैटर्न डाल दीजिए, जो भी आप रखना चाहते हो वो पैटर्न डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और अब आपको मोर पर क्लिक करना है और फिर से मोर पर क्लिक करेंगे और एग्री पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपको फिंगर को स्कैन करवाना है। आपके जो साइड बटन के फिंगरप्रिंट दिया गया है इस पे आपको लगा लगा कर स्कैन करवा लेना है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं स्कैन करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी स्कैन करवा लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डन का ऑप्शन आ चुका है, डन पे क्लिक करेंगे। अभी आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लग चुका है, ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आप दूसरे फिंगर को भी ऐड कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फिंगर यहाँ पर लॉक लगा कि नहीं लगा। तो देख पा रहे हो फिंगर से काम कर रहे हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट काम कर रहे हैं।